तरीन ट्रुप के रहनुमा नुमान लंगड़ियाल का कहना है, अपने फैसले पर फख्र है, फैसला सूबे की बेहतरी के लिए किया, अपील का हक रखते हैं। जबकि पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा ने परवेज इलाही को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि इतनी कौन सी इमरजेंसी थी कि आज इजलास बुला लिया गया। वो पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपील का हक तो हम रखते हैं और जिस तरह का फैसला आया उसमें तो बहुत ही अभाम है और हम बिल्कुल फैसला करेंगे और अपील में जाने का प्रोग्राम जरूर है। और जहाँ तक तरीन साहब की ग्रुप का मसला है, वो हम इंशाल्लाह ताला जो फैसला किया है उस पर हमें फख्र है, हम उस पर कायम हैं और हमें किसी तरह का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि हम सूबे की बेहतरी चाहते थे। बगैर किसी एजेंडा दिए बुलाया गया है और समझ से बाला तर है कि ये 30 को होना था, रात को कौन सी ऐसी इमरजेंसी लग गई कि उस पर कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने इजलास बुला लिया और पहले भी 10-10, 15-15 दिन के वक्फे से चल रहा है इजलास। पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला इजलास के अंदर ये कोशिश करेंगे कि इस हाउस को अवामी आवाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए।